फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि अगर आपके शो की टीआरपी अच्छी आ रही है तो फिर कोई ट्रोल करे, बायकॉट करे, ट्रेंड करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है घर घर में आपका टीवी शो देखा जाता है। आजकल तो ट्विटर पे कोई शो अच्छा नहीं होता तो भी ट्विटर पे ट्रोल हो जाता है, अच्छा होता है तो भी ट्विटर पे ट्रोल हो जाता है। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ वीक 4 के टॉप 10 शो, किनकी आ सकती है टीआरपी अच्छी या फिर किसने बनाई है टॉप 10 में जगह सर्चिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे है आपका अनुपमा। हमें अनुपमा हमेशा ही बीआरसी में भी नंबर 1 पे, पॉपुलर में भी, लविंग शो में भी कहीं ना कहीं नंबर 1 पे बना हुआ है। नंबर 2 की पोजीशन पे है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस बार कह रहा है तारक मेहता जो है टॉप 5 में बनने की कोशिश करेगा। नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका गुम है किसी के प्यार में, जहाँ पे गुम ने काफ़ी पॉइंट बढ़ाए हैं, उम्मीद है कि इस हफ्ते वो टीआरपी बढ़ाएगा। नंबर 4 की पोजीशन पे है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। रूही अरमान को पाना चाहती है और उधर अभीरा के मन में जो है कह सकते हैं अपने पति अरमान के लिए फीलिंग आ गई है। नंबर 5 की पोजीशन पे है श्रीमद् रामायण, जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ गया है नंबर 5 पे। कहा जा रहा है कि इसे OTT पे भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जैसे इंस्टा, ट्विटर या फिर यूट्यूब। ऐसे में देखना है कि ये उसकी TRP जोड़ रहा है या BRC जो निकल कर आने वाली है उसकी TRP जोड़ रहा है। अब बात करते हैं, नंबर आपका जो है 6 पर है कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, जहाँ पे जो है कुछ ड्रीम है, कुछ सच्चाई है, कुछ गोली जो लगती है और फिर कितनी यादाश्त आती है प्रीता की, ये देखना बनता है। नंबर 7 की पोजीशन पे है आपका बातें कुछ अनकही सी, जो कि स्टार प्लस का है, जो भी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था। शुरुआती दिनों में इसने TRP अच्छी नहीं दी थी, अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि टॉप 5 में अपनी जगह बनाए। बात आती है आपकी नंबर 8 की पोजीशन पर कुमकुम भाग्य, जहाँ पे आपकी नई पीढ़ी की शादी दिखा रहे हैं। शादी थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन शादी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाने वाले हैं, जहाँ पे भाग्य लक्ष्मी कुंडली भाग्य सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं कुमकुम को। बात आती है अब जो नंबर 9 की पोजीशन पे, काफ़ी लंबे टाइम बाद जगह बनाई है राधा मोहन ने। राधा मोहन में जहाँ पे मोहन जो है आत्माओं से लड़ रहा था, दामिनी को मरते हुए भी देखा, तो ऐसे में उसकी TRP निकलना बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि 1.6 तक TRP इसकी इस हफ्ते आ सकती है। बात आती है आपकी उससे प्यारे शो की, सबसे प्यारा शो मुझे लगता है पहली बार टॉप 10 में अपनी जगह बनाया। BRC में तो टॉप 5 में हमेशा जगह बना कर रखता है। बात आती है सर्चिंग के अकॉर्डिंग, जो है IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग इमली 3, जहाँ पे अदीजा और साई केतन राव नज़र आ रहे हैं। गुल खान का ये शो है स्टार प्लस पे, लगातार ये टॉप 5 में बना हुआ है BRC में, शायद इस हफ्ते और भी अच्छी पोजीशन पे होने वाला है। तो ये है वो टॉप 10 शो, इनमें से आपको क्या लगता है किसकी TRP सबसे अच्छी निकल कर आने वाली है और किस शो की TRP बिल्कुल निकल कर नहीं आने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।